क्या आपको पता है कि फ़ोन में कॉल उठाते समय हम लोग हेलो ही क्यों बोलते हैं? और क्या आपको पता है कि फल के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है उसका क्या मतलब होता है? और क्या आपको पता है कि साल 1518 में एक ऐसी बीमारी चली थी जिसमें लोग हर वक्त डांस ही करते थे? हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे अमेजिंग और रेंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा, ओ माई गॉड। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट्स नंबर वन, साल 1518 में स्ट्रासबर्ग के एलिसेस गांव के लोगों को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें वो लोग कंटिन्यूस डांस करते रहते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन ये सच था और इस बीमारी को डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया था और ऐसी बीमारी उसके बाद कभी भी नहीं हुई और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो नाचते नाचते मर ही गए थे। फैक्ट्स नंबर टू, सैमसंग कंपनी जो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके मोबाइल फ़ोन्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी शुरुआत 1838 में साउथ कोरिया में हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि सैमसंग का शुरुआती काम कोई मोबाइल फ़ोन या फिर और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना नहीं था बल्कि मछली बेचना था? जी हाँ दोस्तों, जब सैमसंग की शुरुआत हुई थी तो इसका जो प्राइमरी काम था वो सिर्फ़ और सिर्फ मछली बेचना था। मछली बेच बेच कर आज ये कंपनी क्या क्या बेच रही है। फैक्ट्स नंबर थ्री, ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसे देखने से ये लगता है कि कोई घर जो कि किसी भारी तूफान के चलते पलटकर उल्टा हो गया है ना, पर ये घर बिल्कुल सेफ है जो ऐसा ही बनाया गया है कि देखने में बिल्कुल उल्टा लगे। काफ़ी लोग इसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं, इट्स अमेजिंग हाउस। फैक्ट्स नंबर फोर, क्या आप जानते हो कि यदि आप गूगल में इस नंबर को लिखकर सर्च करते हो तो सर्च रिजल्ट में फ्रिज के अंदर मुंह रखे लोगों की इमेज देखने को मिलेगी। आप खुद से ट्राई कर सकते हो और ये सच में सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। फैक्ट्स नंबर फाइव, मार्केट से खरीदे गए फलों में आपने ये स्टिकर्स को तो ज़रूर देखा होगा। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जिन फलों में स्टिकर होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, पर असल फैक्ट ये है कि अगर किसी फल में लगे स्टिकर में 5 डिजिट मौजूद हों और 9 से शुरू हों तब वो एकदम नेचुरल होता है और हेल्दी फल होता है जो कि नेचुरल वे से उगाया जाता है। और अगर ये 5 डिजिट का हो और कोड 8 से शुरू होता है तब ये फल आधा नेचुरल है, और किसी फल में 4 डिजिट का हो और ये 4 से शुरू होता है तब इसका मतलब है कि फल आर्टिफिशियल तरीके से उगाया गया है, मतलब कीटनाशक या बाकी केमिकल से उगाया गया है, और इसी टाइप के फल काफ़ी सस्ते मिलते हैं। फैक्ट्स नंबर सिक्स, सहारा रेगिस्तान जो आप लोग जानते होंगे जहां पर हर साल गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम होता है, पर आप यकीन नहीं करोगे 18 फरवरी 1979 को ऐसा डेट था जब सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरा था और वो भी 30 मिनट तक लगातार, इट्स अनबिलीवेबल। फैक्ट्स नंबर सेवन, क्या आप जानते हो कि यदि किसी मरे हुए इंसान के बॉडी को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तब जो इंजाइम उसके जिंदा होने पे उसके पेट का खाना पचाते थे वही इंजाइम मरने के बाद उसके बॉडी को खाने लगते हैं, बॉडी को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। फैक्ट्स नंबर एट, आपने स्कूल में पीरियोडिक टेबल के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो पीरियोडिक टेबल में सारे इंग्लिश के लेटर्स आते हैं A to Z, बट जे ही एक ऐसा लेटर है जो कि पीरियोडिक टेबल में कहीं भी नहीं आता है। फैक्ट्स नंबर नाइन, आमतौर पर यह कहा जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हार्ट और ब्राइन है। जेलीफिश मछली की एक ऐसी प्रजाति है जो लास्ट 65 करोड़ साल से जीती आ रही है, और ये एक ऐसी मछली है जिसके पास कोई ब्राइन नहीं होता, कोई हार्ट नहीं होता, कोई ब्लड नहीं होता, कोई ईयर नहीं होता, कोई आँख भी नहीं होती है। फैक्ट्स नंबर 10, हम लोग फ़ोन पे हेलो क्यों बोलते हैं? आपने ये कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि फ़ोन के इन्वेंटर ग्राहम बेल की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था मार्गरेट हेलो, और उसी के नाम पे ग्राहम बेल ने सबको बोला कि हर कोई हेलो बोलेगा फ़ोन पे। ये असल में एक झूठ है। असल में ग्राहम बेल ने ये बोला था कि जब कोई फ़ोन को उठाएगा तो हर कोई अहोय होय बोलेगा, बट कुछ साल के बाद बल्ब के इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने सब में ये फैला दिया कि अब हर कोई हेलो बोलेगा। कुछ लोग हेलो यानी कि एडिसन की टीम में थे और कुछ लोग ग्राहम बेल की टीम में थे, और किसी रीजन के चलते हर कोई हेलो ही बोलने लगा और हेलो पूरा का पूरा फेमस हो गया और अहोय होय पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया। तो यही है काल पे हेलो बोलने की स्टोरी।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।